सो हेलो गाइज, मैं हूँ सोमजीत और आप सभी का फिर से मेरे और एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टोयोटा हाईराइडर का बेस वेरिएंट जो है ई। अगर आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाने का शौक रखते हो तो आप जरूर से इस वेरिएंट के ऊपर आप जरूर जा सकते हो। यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट काफी अच्छे अच्छे काम आप यहाँ पर करा सकते हो, ठीक है। जैसे इस वेरिएंट में आपको यहाँ पर एलोवेल्स आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर नहीं करता है, ठीक है। इस वेरिएंट में आप यहां पर आफ्टर मार्केट काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन में आप यहां पर एलॉयज इंस्टॉल करा सकते हो। आपको अंदर में टच स्क्रीन नहीं मिलता है, अगर आप चाहो तो आप डीलरशिप से भी टच स्क्रीन इंस्टॉल करा सकते हो, पर आप आफ्टर मार्केट भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टच स्क्रीन आप वहां से भी इंस्टॉल करा सकते हो। सो ये जो वेरियंट है ई, इसमें आपको एक तो ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलता ही है, उसके साथ साथ अगर आपको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन भी कराना है तो भी आप यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडिफिकेशन आप इस वेरिएंट के ऊपर जरूर करा सकते हो। अभी हम लोग पहले इसके की से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे दो कीज कंपनी ऑफर करता है लॉक एंड अनलॉक बटन के साथ, और आपको यहाँ पर पीछे में टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। अभी हम लोग इसके फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो आपको फ्रंट में यहाँ पर ऊपर में LED DRLs आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप जब इसको DRL मोड में दोगे, ठीक है, उस टाइम ये एक वाइट DRL में एकदम पूरा ग्लो करेगा। फ्रंट बोनट, क्रीज लाइंस, डुअल वाइपर एंड वॉशर। फ्रंट में आपको यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, क्रोम फिनिश, बीच में टोयोटा का लोगो। हेडलाइट्स आपको यहाँ पर हेलोजन में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करता है, पर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर वही LED भी करा सकते हो फ्रॉम आफ्टर मार्केट। डाउन ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाता है एकदम पूरा ग्लॉसी फिनिश में। नीचे में आपको यहाँ पर वही एक ग्लॉसी ग्रे कलर का फिनिश आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, यह कुछ इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल से लुक ऑफ द टोयोटा हाईराइडर ई वेरिएंट। अभी हम लोग इस वेरिएंट का साइड प्रोफाइल से लुक्स देख लेते हैं। सो साइड से जब आप यहाँ से इसका लुक देखते हो, काफी बढ़िया लुक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और आपको स्क्रीन में इसका व्हील बेस और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। इस बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पर ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स कंपनी ऑफर करता है। अभी आपको यहाँ पर व्हील कवर्स नहीं मिल रहा है, पर आप इसका जब डिलीवरी लोगे उस टाइम कंपनी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके ही डिलीवरी देगा। व्हील आर्च आप यहाँ पर देख ही सकते हो, आपको एकदम पूरा मैट ब्लैक में आपको यहाँ पर व्हील आर्च देखने के लिए मिल जाता है। और व्हील्स का गाइस जो साइज है, ठीक है, वो है 215/60 R17 इंच में आपको यहाँ पर रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिल जाता है। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल फंक्शन के साथ आपको यहाँ पर साइड ORVM मिल जाता है विद साइड टर्न इंडिकेटर, और आपको यहाँ पर एकदम पूरा बॉडी कलर में ही मिल जाता है। बॉडी कलर में आपको डोर ओपनिंग हैंडल विद अ स्मॉल रिक्वेस्ट सेंसर। बी पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। ए पिलर आपको बॉडी कलर में दिया गया है। और गाइस, यह कुछ इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल से लुक ऑफ द हाईराइडर ई वेरिएंट। अभी गाइस हम लोग इस बेस वेरिएंट का रियर प्रोफाइल से भी लुक्स देख लेते हैं, ठीक है, आपको वहां पर लुक्स वगैरह कैसा मिलता है। ये है टोयोटा हाईराइडर का रियर प्रोफाइल से लुक। आप यहाँ पर इसका एकदम पूरा लुक वगैरह देख ही सकते हो, काफी बढ़िया लुक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। रियर में आपको यहाँ पर बेस वेरिएंट से फुल LED रियर टेल लाइट्स आपको यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किया है। सैटन सिल्वर फिनिश, बीच में टोयोटा का लोगो। अर्बन क्रूजर हाईराइडर का बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है, और आपको यहाँ पर ई नियो ड्राइव का जो बैजिंग है, ठीक है, बेस वेरिएंट ई का जो बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है, और आपको यहाँ पर साइड टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और एक रेड रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किया है। रेयर में आपको यहाँ पर 4-point रिवर्स पार्किंग सेंसर, मैट ब्लैक फिनिश, ग्लॉसी ग्रे फिनिश के साथ इसका रेयर बम्पर आपको दिया गया है। ऊपर में आपको यहाँ पर रेयर डिफॉगर, स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो गाइस, यह कुछ इसका ओवरऑल रेयर प्रोफाइल से लुक। अभी हम लोग इस वेरिएंट का अंदर से लुक्स वगैरह देख लेते हैं। अभी हम लोग पहले इसके ड्राइवर साइड डोर ट्रिम से स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर ग्रे फिनिश, क्रोम फिनिश एंड ब्लैक कलर के एकदम पूरा कॉम्बिनेशन के साथ इसका डोर ट्रिम आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स, सेंट्रल लॉक का बटन, विंडो लॉक का बटन, और आप ORVM को यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे और आप यहाँ से फोल्ड कर पाओगे। ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट टच में आर्मरेस्ट आपको दिया गया है। ग्लॉसी ग्रे का फिनिश, क्रोम फिनिश में डोर ओपनिंग हैंडल, स्पीकर का प्लेसमेंट और एक 1 लीटर बॉटल होल्डर, और आपको यहाँ पर कोई भी छोटे मोटे सामान वगैरह आप यहाँ पर इजीली कैरी वगैरह कर पाओगे। और
यह है गाइस कुछ इसके अंदर से लुक। अभी हम लोग कार के अंदर में बैठ के आपको यहाँ पर जितने भी फीचर्स कंपनी ऑफर करता है सारे अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो लेट्स सिट इनसाइड द कार। सो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ हाई राइडर ई बेस वेरिएंट के अंदर। आप यहाँ पर इसका एकदम पूरा डैशबोर्ड देख ही सकते हो, ब्लैक एंड ग्रे कलर के एकदम पूरा कॉम्बिनेशन के साथ आपको इसका डैशबोर्ड कंपनी ने ऑफर किया है। अभी हम लोग पहले इसके स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर कंपनी इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ऑफर किया है, एकदम आपको पूरा राउंड शेप में मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई भी डी कट वगैरह नहीं मिलता है, ग्रे फिनिश आपको यहाँ पर दिया गया है, बीच में टोयोटा का लोगो, और आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के जो जो कंट्रोल सेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी तो इस बेस वेरिएंट के अंदर आपको कंपनी कोई भी म्यूजिक सिस्टम ऑफर नहीं करता है, पर आप खरीदने के बाद जब आप आफ्टर मार्केट कोई भी टच स्क्रीन जब आप इंस्टॉल करोगे तब ये वाले जो कंट्रोल सेट है ये ऑटोमेटिकली उस टच स्क्रीन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको आफ्टर मार्केट कोई भी यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, यही कंट्रोल्स कंपनी फैक्ट्री से फिट करके आपको यहाँ पर देता है, ठीक है। यहाँ से आप देख ही सकते हो म्यूट मोड वगैरह आपको यहाँ पर दिया गया है, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो अभी हम लोग करते हैं कार को ऑन। सो आपको यहाँ पर बेस वेरियंट से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और यह है गाइस कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है। आपको यहाँ पर आरपीएम मीटर और आपको नीचे में यहाँ पर इंजन टेम्परेचर, बीच में एमआईडी आपको यहाँ पर मिल जाता है, स्पीडोमीटर और आपको यहाँ पर फ्यूल लेवल दिया गया है, हेडलाइट के कंट्रोल्स, फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिया गया है, म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्पेस कंपनी ने दे रखा है, एसी के वेंट्स, हैजर्ड लाइट के कंट्रोल्स, ऑटो एसी का कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप यहाँ से ट्रैक्शन को ऑफ कर पाओगे, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ पर दिया गया है, और एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, अब मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट आपको मिल जाता है, ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पर दिया गया है, और यह है गाइस कुछ इसका रियर व्यू मिरर। ऊपर में आपको यहाँ पर दो रीडिंग लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, सनसेट फॉर द को ड्राइवर विद अ स्मॉल वैनिटी मिरर एंड सनसेट फॉर द ड्राइवर विद अ वैनिटी मिरर। और आपको गाइस नीचे में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको इसका हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। सो ये था गाइस कुछ इसका एकदम पूरा डैशबोर्ड का लुक। अभी हम लोग इसका सीट देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पर कुछ ऐसे फैब्रिक सीट्स कंपनी ने ऑफर किया है, ब्लैक कलर में आपको एकदम फैब्रिक सीट्स आपको यहाँ पर दिया गया है। अभी गाइज हम लोग इसका सेकेंड रो देख लेते हैं। सो गाइज अभी मैं आपको इसका जो सेकेंड रो है, ठीक है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यह कुछ इसका सेकेंड रो डोर ट्रिम, आपको यहाँ पर ब्लैक ग्रे फिनिश और आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश में डोर ओपनिंग हैंडल के साथ इसका डोर ट्रिम आपको मिल जाता है, रियर पावर विंडो के कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल, आर्मरेस्ट, स्पीकर का ग्रिल और एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, रियर सीट्स आपको यहाँ पर एकदम पूरा ब्लैक फैब्रिक में आपको यहाँ पर रियर सीट्स मिल जाता है विद ऑल 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और आपको यहाँ पर फ्रंट में भी 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी ने ऑफर किया है। आपको यहाँ पर जितने भी हेडरेस्ट मिलता है सारे आपको एडजस्टेबल ही मिल जाता है, रियर एसी वेंट्स, फ्रंट डैशबोर्ड का लुक फ्रॉम द रियर। अभी गाइज हम लोग इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। सो आपको यहाँ पर एक मैग्नेटिक बूट ओपनर आपको यहाँ पर दिया गया है। सो और गाइज यह कुछ इसका बूट स्पेस, ये वाले व्हील कवर्स आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करता है, ठीक है, 17 इंच में, और यहाँ पर नीचे में आपको इसका स्पेयर व्हील दिया गया है, ठीक है, नीचे में आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील मिल जाता है, और आपको स्क्रीन में इसका बूट स्पेस शो हो रहा है। अभी गाइज हम लोग इसका इंजन देख लेते हैं। इसमें आपको जो पेट्रोल इंजन मिलता है, ठीक है, वो अभी हम लोग देख लेते हैं। सो आप यहाँ से फ्रंट बोनट और आप यहाँ से फ्यूल फिलर कैप को ओपन कर पाओगे। सो गाइज ये था एक फुल डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू ऑफ टोयोटा हाई राइडर ई वेरियंट। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।